ये जो पीछे वो भी एक्सपायरी डेट है क्या सर? ये भी एक्सपायरी। अरे मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, 2031 का माल है। मैं उस सामान की बात कर रहा हूँ। हाँ, पीछे का माल तो एकदम मालोमाल है, टाइट है, टाइट है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पुलिस पॉइंट पॉसिबल का जो है जनरल स्टोर है, जो कि लाजवाब है, बहुत बेस्ट है। इसके अंदर जाएंगे तो मालूम चलेगा क्या चीज़ है, एकदम खोखला है। खाली आपको आइए दिखाते हैं इसका नाम क्या है। देखिए, टक्कर प्रोविजन स्टोर, ये जनरल स्टोर का ऐसा नाम होता है, अजीब लाजवाब है, ऐसा नाम रहना चाहिए। और देखिए, आइए देखिए, चौल में बनाया गया है दुकान, ये चौल में बस स्टूडियो के अंदर। कौन यहाँ आएगा दुकान में सामान लेने? यहाँ देखो इसके अंदर क्या रखे हैं। हाँ देखो, चाव गेहूँ है, गेहूँ के अंदर देखो ये क्या है, ये पेपर है। ऐसा लगता है पूरा भरा हुआ है। ये क्या माल है, ऐसा माल रहे कोई बोल देगा ये दुकान है? इधर आओ, ये देखो ऐसा लग रहा है पूरा दाल भरा हुआ है। ये दाल भरा हुआ नहीं है, देखो इधर से क्या दिख रहा है, पेपर, न्यूज पेपर लगा के रखे हैं। यहाँ से कुछ फालतू सामान रखे हैं, मतलब कोई चलने वाला नहीं है। हाँ एकदम चलने वाला नहीं है। कौन ले गया आपके ये जो पीछे वो भी एक्सपायरी डेट है क्या सर? ये भी एक्सपायरी। अरे मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, 2031 का माल है। मैं उस सामान की बात कर रहा हूँ। हाँ, पीछे का माल तो एकदम मालोमाल है, टाइट है, टाइट है। क्या करें यार, काम कर रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन चाहिए। मैं जो वीडियो में मनोरंजन के साथ साथ कॉमेडी और शूटिंग सब कुछ आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के जरिए से। ये तो सड़ गया है, सड़ गया। अरे अचानक बारिश हो रही है, देखो अभी बारिश हो रहा है। कैसे बारिश हो रहा है देखिए, वहाँ ऊपर से एक कैसे लगा के बर्फ बैठे हैं, बारिश कर रहा है चौल में। दिखाइए नजर, दिखाइए देखिए, ये बारिश है, इसको बोलते हैं बारिश। में फिल्म में टीवी में दिखाया कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, देख लो नकली बारिश। यहाँ पर शूटिंग में ऐसे यूज होता है, आप लोग के सामने है जो भी है, रियल है, नो एडिटिंग, नो कुछ। आइए, ये क्या होता है, गोलक है ना, क्या होता है गोलक, इसमें क्या रखा है, मास्किंग टेप। कहीं पैसे नहीं होते, चाइनीज का दुकान है, यहाँ मास्किंग टेप रखा हुआ है। ये तो लकड़ी का बुरा आधा लग रहा है मुझे, लकड़ी का, ये तो लकड़ी खाएगा। देखिए, ये जो लकड़ी छीलने के बाद निकलता है ये वो चीज है, उसे भी दुकान पे चौल बनाया गया है ना, चूतिया बनाते हैं शूटिंग वाले। ये जो चौल बना है ना, वो लकड़ी का जो प्लाई होता है वो सेट करके, तो वो जो चूकना निकला है ना चूर, उसी को इसमें भर दिया है दुकान में दिखाने के लिए। हाँ। भाई लो, ये एक सामान है खाने वाला चीज, अगर ये कोई एक्स्ट्रा खाएगा तो क्या हम लोग सोचेंगे कि यूनिट कह रहे भाई कुछ होगा, अच्छा स्वाद स्वादिष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने है ये लकड़ी है। हाँ बोलिए, एकदम देखिए, ये आए थे दुकानदार, मतलब सामान लेना था, खाली चूतिया बना के चले गए। हम लोग को भी देखो वो चूतिया, मतलब वैसे बोल गए हैं, लेकिन हम भी उन्हें चाहिए था 100 किलो शक्कर, इतना तो मेरे दुकान में भी नहीं है। उनको इतना चाहिए सामान, 50 किलो आटा कहाँ से लाऊं भाई, कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये देखो आटा, आटा है, आटा वो भी कैसे 25 साल पुराना सड़ चुका है। देखो 10 साल पुराना आटा रखा है, कौन खाएगा यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हमारे चंदन हैं, इनके पीछे जो बारिश हो रही है, रेन विल बी कम, दिस इज नॉट अ रेन, दिस इज अ फेक लाइक दैट। वो एक आदमी पाइप लेके खड़ा है, जिसका नाम मुर्तजा है, सब्जीर अली वहाँ है, वो बिजली कड़का रहे हैं, ये देख के मैडम आ रहे हैं, पच्चीस बार ये जूनियर आर्टिस्ट, ही टेकिंग 1 day 500 rupees।
धूप उसमें बारिश में भिगा भिगा के एकदम लाल कर देंगे, लाल कर देंगे, उसके बाद इनको काला कर देंगे, पैसे मतलब वसूल कर लेंगे, जितना पैसा दे रहे हैं ना उसको वसूल कर लेते हैं। हाँ थैंक यू मैम, ये हमारी मौसी हैं जिनके कृपा से हमारी दुकान चल रही है, साफ सफाई कर देती हैं, इनके जरिए से हमारा दुकान चमकने लगा बिल्कुल। और देखिए छाता लेके ऐसे चल रहे हैं लोग जैसे छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में। यस और अभी सुबह को दिन के 11:15 हो रहे हैं मगर अभी ऐसे लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। आई असिस्टेंट डायरेक्टर जी, ये हमारे सर हैं जो हमारे खास मित्र हैं। हाँ मालूम है। हेलो दोस्तों, ये जो दुकान देख रहे हो ना पुष्पा इम्पॉसिबल का दुकान है, नकली दुकान है, बस ऐसे सेट पे लगाया गया है, चौल में लगाया जाता है दुकान, ये चौल का दुकान है, यहाँ पे सब आते हैं चौल पे, पुष्पा लेती है सामान, क्या नाम है अश्विन लेता है रोटी लेती है। बैठा हुआ है